YouTube के बंका मशीन के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है रेडियल ड्रिल मशीन को परचेज करने से पहले कौन सी बातें हमें देखनी चाहिए। बंका 38R रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो 38mm के ड्रिल के लिए बनी गई है, उसके बारे में मैं आज आपको बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा विद टेक्निकल डिटेल्स एंड लाइव मशीन को रनिंग कंडीशन में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एक बात क्लियर कर दूं कि रेडियल ड्रिल परचेज करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है ऑपरेटर फ्रेंडलीनेस। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, इनके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो खड़े खड़े काम करते हैं, स्टैंडिंग कंडीशन में 8-9 घंटे वो काम करते हैं, जबकि रेडियल ड्रिल मशीन का ऑपरेटर नीचे झुक के या बैठे हुए काम करता है और पूरे दिन में बहुत सी बार खड़ा होता है और बैठता है। तो हमारा जो लार्जेस्ट मसल है वो लेग में है और उसको बहुत सारी बार मूवमेंट करवाने की वजह से वो सबसे ज्यादा थकान महसूस करता है। तो रेडियल ड्रिल मशीन का ऑपरेटर कंफर्टेबल फील करे, ये बात हमें रेडियल ड्रिल परचेज करते वक्त सबसे ज्यादा सोचनी चाहिए। आज मैं आपको बंका 38R रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यही समझाऊंगा कि हमने ऑपरेटर की सहूलियत के लिए इस ड्रिल में क्या क्या दिया है, और आप अगर एक सा जॉब है अगर आपके पास तो आप एक ऑपरेटर से दो ड्रिलों को या तीन ड्रिलों को भी ऑपरेट करवा सकते हैं। आपका ड्रिल जॉब को खत्म करते ही अपने आप बंद हो जाएगा और जब उसको जो ऑपरेटर को पूरा दिन हाथ से धक्का लगाना पड़ता है, और अगर धक्का नहीं लगाना है तो ऑटो फीड में जो उसे डालना है उसके लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, उसकी जगह इजी ऑटो फीड, जैसे इजी ऑटो फीड है बंका 38R में, उसका ऑपरेटर मैक्सिमम यूज कर सकता है। तो यहां हम बात करेंगे एक्यूरेसी के बारे में, उसकी लॉन्ग लाइफ के बारे में, बंका ने यह ड्रिल कौन पुलीटेक क्यों नहीं बनाई है, सिर्फ ऑल गियर ड्रिलिंग ही क्यों बनाई है, और इसमें 2 स्पीड का मोटर क्यों दिया गया है, कूलर पंप का टैंक सफाई करने में किस तरह से आसान होता है, और इसका सबसे बढ़िया फीचर जो है वो है Z एक्सिस बंका जो दे रहा है वैसी Z एक्सिस राजकोट और यहाँ के और कोई भी मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं दे रहे हैं और इसमें क्या खास है। इसकी जो फीड है वो हम इसको 4X कहते हैं, तो इसकी जो फीड है जो हम आप ऑटो फीड में जब हम ड्रिल से ड्रिल को लगाते हैं तो या तो आपको लगेगा कि ये बहुत धीरे जा रहा है या बहुत फास्ट जा रहा है, तो इसमें 4X है तो आप 4 गुना इसको बढ़ा सकते हैं या 4 गुना कम कर सकते हैं, और इसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 1 से 2 में जाना है या 2 से 4 में जाना है। तो तीनों ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं वो भी हम इस वीडियो में लाइव देखेंगे। तो ये मैंने बताया ओवरव्यू इस वीडियो का, इस वीडियो में हम किस तरह से इस रेडियल ड्रिल को जांचने वाले हैं, परखने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें कोई भी ब्रांड की रेडियल ड्रिल पसंद करते वक्त कौन से फीचर्स को
तवज्जो देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए और इसको कैसे परचेज करना चाहिए।